वक्त देखेंगे बागबाहर से घरेलू गैस सिलेंडर फटा है। चार लोग घायल हुए हैं, एक की स्थिति नाजुक बताई जाती है जिसको रायपुर रेफर किया गया है। कोचरपाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बागबाहरा से, जहां पर घरेलू सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तो सिलेंडर फटने से चार लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक की हालत नाजुक है जिसको रायपुर रेफर किया गया है। कोटरपाली थाना क्षेत्र का मामला। तो सिलेंडर फटने से चार लोग घायल हुए हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। तो कोटरपाली थाना क्षेत्र का मामला है, चार लोग घायल हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं बाग बहारा से, ये बड़ी खबर। सिलेंडर फटने से चार लोगों के घायल होने की जानकारी है, एक की स्थिति नाजुक है जिसको रायपुर रेफर किया। निवेश तिवारी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निवेश, और क्या जानकारी, कैसी स्थिति बताई जाती है घायलों की? घायलों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल चार लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जिसमें से तीन को मामूली चोटें आई हैं और एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में रायपुर के लिए रेफर किया गया है। शुक्रिया जानकारी के लिए।